हरे कृष्णा राधे राधे जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत सारा हमारे तरफ से प्यार और कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज हमारा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया। इतना प्यार और हमारे साथ जुड़े हुए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं आज घूमने के लिए, एक बहुत बड़ा पंडाल देखने के लिए जो प्रेम मंदिर के थीम पे बना हुआ है। आप सोच रहे प्रेम मंदिर यहाँ पे कहाँ आ गया, तो यस उन लोगों ने प्रेम मंदिर के थीम पे आज बनाया हुआ है ये पंडाल, और वही हम देखने के लिए निकल रहे हैं। ये लोग दोनों जन पहले से आ गए और बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं सीढ़ी से आ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वार्म अप की ज़रूरत थी इसलिए मैं सीढ़ी से आया। खैर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, एकदम चटक धूप है इस समय, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कि ये ठंडी का मौसम शुरू हुआ है। खैर चलते हैं फटाफट हम लोग। आरू भी एकदम साड़ी वाड़ी में मस्त, अष्टमी को आज दर्शन करने के लिए। ये देखो इसको देखो, जय माता दी, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, दो टाइम बोलते बिट्टू राधे कृष्णा। बहुत गर्मी हो रही है देखो हमारी, नारियल पानी भी आ गया ये देखो। अच्छा ये सब लेके आए, कल हमको हवन करना है ना, तो हवन लकड़ी सामग्री एक ही क्यों लिए, एक में पॉट लेके आ रहा ना, पी लेता हूँ। अच्छा लाओ इधर ही पी लेते हैं फिर चलते हैं। और हम लोग आज फास्ट है इसलिए हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं, कुछ खाए पिए भी नहीं आज फास्ट पूरा, मतलब सोच रहे बस पानी पे ही निकाले, देखेंगे शाम तक। बस आप पी लो, नारियल पानी नहीं पसंद? अरे मैं पी लूंगी, नारियल पानी नहीं पसंद। कोकोनट क्या है, वाटर पूरा भरा है एकदम, देखो पूरा फुल है। ऐसा लग रहा है मुझे पानी तो नहीं डाला इसमें कोकोनट के वाटर की जगह। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी खड़की छावनी। ये देखो दोनों तरफ कितनी गाड़ियां पार्क हुई है, फिर सामने सब्जी का ठेला भी, और यहाँ पे सब बंगाली अटायर में ही मोस्टली दिख रहे हैं। और हम लोग अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं आते थे, क्योंकि हम लोग ढूंढते थे वो कोने में कहाँ पर है कहाँ पर है कहाँ पर है पंडाल, ऐसे नवरात्रि का कहीं मिलता नहीं था, तो इस बार तो मालूम पड़ा तो चले आए हम लोग। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी यहाँ पर, पूरा ऐसे लग रहा है कि विंटेज ज़माने में आ गए, बहुत पुराने ज़माने में, मतलब पेड़ पेड़ है। नवंबर चल रहा है पर है ना बहुत कड़क धूप है। स्वामी समर्थ अयप्पा, अयप्पा मंदिर वो में वो जो स्ट्रक्चर है ना वो देख के लगा मुझे, दीप वाला जो है ना। और बहुत भीड़ है यार अभी तो, प्रेम मंदिर पे जो थीम बनाया पंडाल बनाया ना उससे बहुत उसको बहुत देखने आ रहे लोग, इससे बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है। हाँ ये बात अच्छा एकदम सही है, अच्छा बहुत अच्छा बनाया है। नहीं कर सकता भाई इधर देख लेगा, इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं। सुंदर झांकी बनी है राधा रानी की, प्रतिमा जो भगवान की बनी है ना उसके अंदर अंदर बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ और अलग मंदिर है, कृष्ण भगवान का ही मंदिर लग रहा है। अभी तक तो सौभाग्य नहीं मिला प्रेम मंदिर जाने का, यानी कि वृंदावन, पता नहीं कृष्ण भगवान कब बुलाएंगे, लेकिन यहाँ का प्रेम मंदिर देखा हमें बहुत अच्छा लगा। काली माँ का रूप में अंदर पंडाल में बिठाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। देखो ना इस तरफ चलते ना, जरा देखते तो है क्या है इधर, ये देखो कितनी प्रतिमाएं बनी है यहाँ पर, ये नारायण है ना, हाँ नारायण की रूप है ना, कितने सारे हैं देख रहे हो। वही तो वृंदावन कब मौका मिलेगा पता नहीं, लेकिन वृंदावन लग रहा है ये, कमी खाली नहीं रही, शुरुआत हो चुकी है वृंदावन जाने की हमारी आरू है ना, हम वृंदावन जाएंगे पक्का, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, अब जाएंगे जरूर। आ जा सिद्धि, हाँ हाँ अभी गिरोगी, थोड़ा खेलने दो उसका मन प्रसन्न हो।
गुलाब के फूल के पीछे पड़ी है। हाँ, काफी देर से मांग रही है फूल। पंडित जी से गुलाब का फूल मांग रही है, पंडित जी गायब है, पंडित जी है नहीं वहाँ। पंडित जी झुक झुक के थक गए, कम से कम 10 लोगों ने मांगा मेरे से पहले फूल। तो वैसे फोटो शूट हो रहा है यहाँ पर बढ़िया वाला, और पूरा बंगाली कल्चर में रहा हुआ है सब। इतना अच्छा लग रहा है साड़ी, ब्लैक ब्लाउज पे कलरफुल साड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है। बंगाल में ना माँ काली का बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद है, वहाँ पे बहुत सुंदरता है। ब्लैक ब्लाउज कौन पहनता जल्दी ना, उसको कितना सुंदर लग रहा है। अभी हर साल आने का ना पता ही नहीं था हमको। और आरू यहाँ पे ना बॉयज लोग भी ना मतलब जैसे बंगाल में पहनते ना वैसे ही पहन के आया है, मेरे जैसा शर्ट और ऐसा नहीं, शॉर्ट कुर्ता वगैरह पहनते हैं, वैसा पहन के आए लोग। हाँ चलेंगे ना, चलो पिछली बार गणपति हटने के ज्यादा मैं चप्पल ही चोरी हो गया था, इस बार चप्पल को ना आरू के चप्पल के नीचे ही रखा हुआ था हमने ताकि चोरी ना हो यार। और मेरे ब्लॉग में भी आ जाएगा कि देखा रोना, ये देखो है ना, इसको कुछ सामान चीज ले रो रही है ना, बनाना और सिद्धि को क्या चाहिए, बलून भी लिस्ट इसकी बढ़ती जाती है। क्या बोल रहा था इसको, झालमुड़ी? हाँ झाल, कितने का है? 40 रुपये। यहाँ पर आने पे ना एक ऐसा अच्छा लगा मुझे कि हम लोग है ना उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, ये चीज़ अच्छा लगा। और दिनों के बाद मूँगफली, सब भूज के मूँगफली दे रहे थे कुछ। हाँ एकदम ले लो, टेस्टी नहीं तभी खा सकते, खराब थोड़े सूखा फल नहीं, नहीं तो कौन खाएगा यहाँ पर। हमारे यहाँ पर चटनी भी देते हैं थोड़ा थोड़ा, चटनी तो देते पास है नहीं लेते। हाँ मूँगफली देख के तो लालच आ गई, लेकिन फास्ट है तो खा नहीं सकते मूँगफली। खा सकते हो ना, मतलब नमक के साथ में कहने का मतलब। सिद्धि का बनाना नहीं मिला है, आगे मिलेगा है। बनाना की दुकान ही नहीं मिल रही हम लोगों को, आगे है 3-4 दुकान, यहाँ से दूर है काफ़ी, कुछ जगह ही यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पहाड़ी लग गई यार, इतना चिपका के लगा दिया है, बैठूँ कैसे मैं। चलो चलते हैं घर की तरफ, बनाना लेके बंदर के लिए, बनाना नहीं तो बंदर हमारा ऐसे रोता रहेगा। अभी हम लोग बस नारियल पानी पिए, बस भूख ही नहीं लगा हमको। हाँ भूख ही नहीं लगा। चलो तुम्हारे लिए केला ले लेती हूँ, पराठा रखा रखा ही नहीं, केला कर रही। चल घर आए, नाश्ता पानी किए, यानी कि आज हमारा पूरा दिन का फास्ट ही है, तो हम लोग ने एप्पल खाया बस, और बाहर से आते वक्त जूस पिया था, और अभी हमने 7 ओवर की मैच भी देख ली इंडिया और न्यूजीलैंड की। इंडिया कमाल की पारी खेल रही है। अभी हम लोग निकल रहे हैं बंग्या समाज की एक और दुर्गा पंडाल देखने के लिए। पिछले ब्लॉग में हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत अंधेरा था, पूरा पंडाल रेडी भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनका कहना था कि पंचमी के दिन से यहाँ पर पंडाल शुरू होता है। तो हमने कहा कि फिर किसी और दिन आएंगे, तो अभी हम जाने का वहाँ प्लान है, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर। फर्स्ट टाइम देखा ना, मैं भी वैसे ब्लॉग लेंगे, ब्लैक ब्लैक पैंक नाचूंगी। बहुत ही संदा लग रहा था, एक जैसे ही सब लुक में आए थे ना, और जैसा आरू बता रही थी ब्लैक कलर का ब्लाउज और ये सब ना, और साड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब हम उससे ज्यादा इनको पसंद आ गई, ये कब से देखो स्कूल में तब बर्थडे होगा ना। किसका बर्थडे होगा? मेरा। अच्छा ठीक है मैडम, जो मेरे मूड में आएगा मैं कर दूंगी। ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं, अभी रात के समय, उस दिन आया था अंधेरा था पूरा, धीरे 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 बहुत सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यार। पहली बार, पहली बार तो लड़ो डड़ सिद्धि जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। बोला ना उस दिन में लाइट वाइट लगा रहेगा, इधर तो कोई पूछता भी नहीं था, इतना अंधेरा था उस दिन, एकदम एकदम अंधेरा है, गिन के 7-8 गाड़ियां दिख रही, तो भी नहीं दिखेंगी, पूरा कंटेनमेंट एरिया है। भगवत दुर्गा प्रीति काम गणेशादि नरद विनियोग नमः
महिषगनी महामाई। जी हम लोग ऐसे पहुंचे यहाँ पर, अभी आरती शुरू होने वाली है। देखो कितनी भीड़ हो गई यहाँ पर पूरे पंडाल में, और हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे हैं ये आरती में। ये ढोल बजते हैं यहाँ पर, ये ढोल देखते हैं, कभी हमने देखा नहीं है। कितना सुंदर सुंदर लग रहा है, देखो कैसे लगाया हुआ है इसमें सब। मिला देखने को, पूरा ऐसे घूम रहे थे बजा बजा के ढोल, एकदम बहुत अच्छी धुन लग रही थी। शादी में आए हम लोग, उसको बोलते हैं धुनीची नाच, यानी कि धुनीची डांस। वो अष्टमी के दिन ही और या नवमी के दिन होती है, और उसे कहते हैं कि हम लोग गॉड से कनेक्ट करते हैं, वो कोई भी कर सकता है। और उसके अंदर में जो आग लगाते हैं, जलाते हैं, वो है नारियल की क्या बोलते हैं, नारियल का जो छिलका रहता है, उसके अंदर में लोबान और कपूर डालते हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने नहीं किया इस बार क्योंकि पहली बार था। और अभी हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, अपना गाड़ी भी देख रहे हैं। बहुत सुंदर लगा, बहुत ही मज़ा आया। आरू और उन लोग वहाँ पे घूमने लगे, इन लोग को साथ में लेके, मैं सोचता हूँ बात करते रहूँ, लेकिन क्या होता ना, इन लोग अलग ही रूट पे भागने लगते हैं, मेरे को बोलते तुम गलत रूट में चले गए, तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे ना पूरा ग्राउंड खुला रहा, तो ठंडा का महसूस हो रहा है एकदम। हाँ मेरे को तो ठंडा लग रहा है, इसको बहुत ठंडा लग रहा है, मतलब इसको चद्दर दे देंगे तभी इसको कम पड़ेगा अभी। यार बहुत अच्छा लगा, ये 50वां साल था इनका, बहुत मजा आया। नवरात्रि में पहली बार ऐसा लगा कि हमने नवरात्रि पूरा देखा है, अच्छा लगा, मेला पूरा लगा जैसे अपने यहाँ रहता है ना। हाँ। सच में यार बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही सुंदर। पता ही नहीं था हमेशा इतने साल से हम लोग रहते हैं, हमारे घर के बस 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। बताओ, मंदिर तो पता था, बट ऐसा फंक्शन होता है, पूरा पंडाल होता है, इतना इसका है ना। हर पूजा में जाती है तो रोज के आती है, कहीं भी जाती है तो अभी आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डिमांड ही पूरा करते रहो, बैठ जाओ तुम जेब खाली करते रहो। नहीं वो तो ठीक है, जेब खाली करते, लेकिन जो चीज मांगती है ना उसे 200-400 रुपए का और कौन सा ना, खांसी होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, अलग दिक्कत होगा। अरे जो पंडाल है ना, ये देखो, ये ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे एकदम बस बगल में ही है एकदम, कितना अच्छा गा रहे हैं वो। अरे यार सच में, अभी हमने लास्ट परफॉर्मेंस में जो देखा ना, वो भी बहुत ही सुंदर थी। उसने शिव स्रोत गाया, उसने बहुत सुंदर गाया, एक देवी माता का गाया और दूसरा तमक दमक दमक दे, ओम नमः शिवाय वाला दमक दमक, वो गाया बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था म्यूजिक उस समय मोबाइल में सुन रहे हैं।
सुन रहे हैं। तो चलो करते चलते हैं घर पर, और घर पे जो बचा हुआ मैच वो देखते हैं। मैच आ रहा है? हाँ मैच चालू है, मैच देखते हैं और आपको बोलते हैं जय माता दी। और इसलिए आप हमारे ब्लॉग को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। जय माता दी, जै माता दी।